हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ PNMFC हाई स्कूल। इन अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 13 फ्रॉम योर MSc टेक्स्ट बुक एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज शबरीज बैरीज विच इज़ ऑन पेज नंबर 52। सो स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 52 सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम चैप्टर 13। Chapter 13, Shabri's Berries. We may look different, we may wear different clothes, speak different languages, but basically we are all human beings. This means हम अलग अलग देख सकते हैं, हम अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं, अलग अलग languages बोल सकते हैं, पर हम सब क्या है? Human beings. We must learn to love people as they are. हमें सीखना चाहिए कि लोग जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही क्या करें, लव। देर इज़ नो वन बिग और स्मॉल इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कोई भी हमसे बड़ा या हमसे छोटा नहीं है, सब कैसे हैं, एक जैसे। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इन रामायण When Lord Ram's wife Sita was kidnapped by Ravan, Rama and his brother Lakshmana went in search for her. रामायण की स्टोरी है ये। जब लॉर्ड राम की वाइफ सीता जी को रावण किडनैप करके ले गए थे, तब राम और उनके भाई लक्ष्मण उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे। Deep inside the forest, they came to the hut of a wise old woman called Shabri. बहुत घने जंगल में वो घूम रहे थे और घूमते घूमते वो एक wise old woman के हट के बाहर पहुँचे जिनका नाम शबरी था। Shabri had heard of Rama and was a great devotee of Rama. शबरी इससे पहले लॉर्ड राम के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी और वो उनकी बहुत बड़ी डिवोटी मतलब भक्त भी थी। शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट हिम, और शबरी हमेशा से चाहती थी कि वो लॉर्ड राम से मिले। शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी द टू ब्रदर्स एट हर डोर स्टेप, और जैसे ही शबरी ने दोनों भाइयों को अपने दरवाजे के यहाँ पर देखा वो बहुत खुश हुई। She welcomed them and made them comfortable. शबरी ने लॉर्ड रामा और उनके भाई लक्ष्मणा को वेलकम किया और उन्हें कम्फर्टेबल फील करवाया। Then she brought a basket full of berries from them. फिर वो गए शबरी और वो एक बास्केट पूरी भर के बैरीज की लेके आई उनके लिए। Instead of offering the entire basket to them, Shabri bit into each berry and put them in a plate. If they were sweet, otherwise she threw them away. अब शबरी बास्केट तो ले आई थी बेरीज से भरी हुई, पर वो पूरी बास्केट लॉर्ड राम और लक्ष्मणा को ऑफर करने की बजाय उन्होंने क्या किया, वो उस बास्केट में से बेरीज उठा रही थी, उन्हें खा के टेस्ट कर रही थी, और जो मीठी बेरीज थी, जो स्वीट थी, वो एक प्लेट में रख रही थी और जो खट्टी थी वो फेंकते जा रही थी। शी ऑफर्ड द प्लेट ऑफ बिटन बेरीज टू रामा एंड लक्ष्मणा। शबरी ने क्या किया, जो उनकी आधी खाई हुई बेरीज थी जो उन्होंने प्लेट में इकट्ठा की थी, वो बेरीज उन्होंने किसको ऑफर की, राम एंड लक्ष्मण। You must be hungry, my lord. Please have these berries, Shabri said. Shabri ने बोला, my lord, आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, आपको भूख लगी होगी, तो प्लीज़ ये berries आप खाइए। As Rama reached out for the berries, Lakshmana stopped him. जैसे ही राम वो berries खाने गए, लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। Don't eat these fruits, he said. She has bitten them all. तब लक्ष्मणा ने रामा को बोला कि ये बेरीज आप मत खाइए, इन्होंने सारी बेरीज आधी खाई हुई हैं। How could she offer us half-eaten berries? लक्ष्मणा asked angrily. लक्ष्मणा ने बोला कि ये हमें आधी खाई हुई ऐसी झूठी बेरीज कैसे ऑफर कर सकती हैं, और लक्ष्मणा को बहुत गुस्सा आ रहा था। Rama smiled at Lakshmana. Mother Shabri
bit the berries to make sure that they were sweet. तब लॉर्ड राम ने लक्ष्मण को देख के स्माइल किया और बोला कि ये जो मदर शबरी हैं उन्होंने बेरीज खा के इसलिए इसमें रखी है क्योंकि वो चाहती है कि हम जो स्वीट जो मीठी बेरीज है वो खाएं. द वन विच वॉज सॉर शी थ्रू देम अवे. शी लव्स अस सो मच दैट शी डज नॉट वॉन्ट टू गिव अस सॉर और बिटर बेरीज. और लॉर्ड रामा ने लक्ष्मणा को बताया कि जो भी मीठी बेरीज थी वो उन्होंने एक प्लेट में इकट्ठा की और जो सॉर थी खट्टी थी वो सब उन्होंने फेंक दी. शबरी हम दोनों से इतना प्यार करती हैं कि वो नहीं चाहती हमें खट्टी या कड़वी या खराब बेरीज खाएं. नाउ लक्ष्मणा अंडरस्टूड शबरीज एक्शन. और अब लक्ष्मणा भी मदर शबरी के एक्शन समझ चुके थे. ही अलॉन्ग विथ रामा पिक्ड अप दोज बेरीज विच शबरी हैड लविंगली ऑफर्ड टू देम. और लॉर्ड रामा के साथ लक्ष्मणा ने भी वो बेरीज उठाई और वो भी खाने लगे जो शबरी ने उन्हें बहुत प्यार से ऑफर की थी. Key value of this chapter is universal love. I hope you all are clear with the explanation of this chapter. So students, this is all for today's explanation. Now you will be provided with the PDF of this chapter which you are going to complete in neat and clean handwriting in your notebook. Thank you students. Stay home, stay safe, take care of yourself.